मैं इस टाइम पहुंच चुका अपने पिंड मतलब अपने पिंड ग्राउंड पहुंच चुका है। तो ये देखते हो सब्जा ही सब्जा है, तो उतो मौसम ही बड़ा वीआईपी बने हुआ है। तो अज ईद है दूजा दिन, तो अज ईद का दूजा दिन से फिर अपने गाँव यार मैंने होर जगह को नहीं, मैं कितने जाके अपना व्लॉग बनावा या कितने इंजॉय करा। मेरे को इको शह आती सिर्फ इतने गाँव आना, क्योंकि इतने सब्जा है बंदा फ्रैश हो जाता, क्योंकि आंदा ना शहर आंदा कि हर तरफ शोर शोर, लेकिन इतनी सन्नाटे तुम चेक कर सकते हो। मैं दो मिनट चुप से सुनो, इतना प्यारा सन्नाटा है, इतने बड़ा मज़ेदार मौसम है। तो बदल भी बन चुके हैं, तो इदू जनाब थोन शायद खावा मंजी उणींदी पई सी, पंजाबी चने मंजी उणींदी पई। इदू मेरा जनाब वो कजन तो मेरे भाई है वो मंजी उणदे पैन, तुसी वेख सकते हो जनाब मैंने इदू जनाब ए मंजी उणींदी पई, मतलब हमारी चार पाई बन रही है अगर इसको उर्दू में हम कहें तो। आप यार वैसे बड़ा मेहनत का काम है, कसम से बड़ा ही मेहनत का काम है। साढ़े वर्गा इतने कोई बंदा होंदा ना बनांदा पे, मैं साढ़े तो कोई नहीं बनी नहीं, तुसी चेक कर सकते हो। कजन अदील ते मैं जा रहे हैं हुण, असीं पट्ठे इहदा जिहड़ा अबू है ना इहदा पट्ठे उन्हें वढ़ दिते हुण, ओह ऐत मैं जांदे पे लवण दे, अबू आखे तुसी जिहड़ा लै वे। तो मैं ये होता है जी पंजाबी सकाफत का एक चीज़ होती है इसमें से एक। तो अब वह ठहर जा मेन बवन, मैं पहली बार तो बाद में पहला खैर करे और ध्यान न ले। तो अब हम दोनों जा रहे हैं और उदू जनाब बकरियां भी आ चुके हैं। थोड़ा मैं जीवन दस अगर पंजाबी सकाफत थोड़ा भी खा सकी और भी पंजाबी सकाफत का एक किस्सा वीवर हूँ थान। मैं जिमें वादा किया ना थोड़े ना कि थानू कि थानू पंजाबी जी सकाफत है वो साड़ी वो थान सारी विखानी है। तो यह भी एक पंजाबी सकाफत का एक हिस्सा है। यह बड़ी आराम सुकून तो आराम दा सवारी है। हो गई साड़ी मोटरसाइकिल हो गया, उस तो बाद साड़ा कार हो गई, उन नालू कई दर्जे मैं ना अच्छी है तो ना सुकून दा ना व्यूवर इन्हें ना पेट्रोल है ना कुछ है, बस ऐ जनाब दान दे इनू इधर नप लो इन रस्सी इन बस टोरी चलो भावे जिम्मे भी इनू बस इन टोरी चलो। तो ये जनाब ऐ की यदि लगा ए मकई, ये है जी मकई। जेडे मेरे व्यूवर थोड़े है ना मतलब के जेड़ा यार देहाती बंदे उन्होंने समझ लग गई उसी कि की चीज़ है कि आई भला हाँ मकई, उन्हें पता लग गया मकई की आँगी। तो यार थोड़ा मैं दसा ना कि कल अज ईद का दूजा दिन तो बारिश हुई है, तो क्यों सदन उस वजह तू वो देखी मैंने अल्लाह की कसम पहली बार इस चढ़िया तो मैं डर बड़ा लगता पे इस वीवर हूँ असी जनाब रस्त दे विच ऐ ते जाने ते थानू मैं बाहर मैं पहली बार अल्लाह की कसम इस चढ़िया तो मैंने पता कोई नहीं चलती चलींदी किवें इन कसो रही मैनू आ भी नहीं पता कि किवें चलींदी। तो इदू जनाब और जी पहले पीछे लगी वो है ये नहीं वड्डी हो गई बाजरा इस बाजरा जेड़ा मतलब एडा एडा खोंदा ना असी अपने प्रीमियम वगैरह देने बाजरा वीवर हूँ बस थोड़ा जहा सफर है गया बस इतों यही जाना है। तो यार ध्यान न मैं पहली बार इस दिलों चढ़े हूँ कि यार चेक कर सकते हो अल्लाह। वैसे ना इंदा वीवर इतना कोई ना मसला आंदा ना कुछ, बस क्यों सदन इस बह जाओ तो ऐली पकड़ लो तो जनाब अगर चलते जाओ। तो मौसम भी बड़ा खूबसूरत बने हुआ है, तो जनाब इधर तुम बदल वगैरह वेख सकते हो बड़ा प्यारा मौसम है। तो क्यों सदन असं रास्ते में जा रहे हैं और बस हम इतनी मुड़ना ही करके है अगली साल। अच्छा ओ जित ट्राली खली ना अच्छा ये इस दरख्त के साइड से हमने जाना है। और एक ही चीज़ है कमांड,
व्यूअर इन सदन कमान ठीक है। जेडे मेरे व्यूअर थोड़े जे मैम अगे दसे देहाती बंदे उन्होंने पता हो सी गया कि ए आंदा कमान इंदी बनदी चीनी, मतलब ए जिले वड्डा होदा सी ना ए जैसी फैक्ट्रियां दे विच ठीक है, ओ पे पीस के फिर इंदा जेड़ा ना बन सी गया दूजा। ओ हो ध्यान दे तो दिलू यार, मैं पहली बार ते गया किचने, पहली बार इस ते बंदा चढ़िया तो यार ध्यान ना मैं लवन दे लवन दे मेरे थोड़ा मैं लै गया क्योंकि अगो दिया आ गया बन गया तो इस वजह तो इतों मैं मेरे मेरे यू चेक करो कितना प्यारा इतों का माहौल है, चेक कर दें ओ अबू लगे ने ठीक कमान वड़ते पैन तो इतू चेक कर सकते हो मेरे ए की चीज़ें ए पट्ठे ठीक है हूँ जैसन गया घर ठीक घर जाके मशीन बैठी पीसन या पीस के उस तो बाद इन्ना जेड़े ना अपने जानवर उन्होंने देना मेहनती बच्चा आए हाय हाय चेक करो मेहनती बच्चा अब इंजे जितने सारे पैन इन्हों चाह के इनके उत्ते लोड करके फिर दोबारा हम अपनी राइड उस पर दोबारा हम रवाना हो जाएंगे। तो तू थानू माहौल चेक करो व्यूअर कितना ओ सूरज डुबदा पे सैड तू माहौल चेक करो मौसम कैसा बनया व्यूअर व्यूअर थोड़े को गल साथ ही लेंदे गारे तो वह चेक करो इन्ना भी ना डंगर वगैरह वह भी रखो देहात की जी असल चीज़ है ना देहात की होंगे देहात जी असल चीज़ है वह है जेडे जानवर ठीक है वह जानवर हो देहात तो दे दांद खलोता हो मेरे अल वेख रहा ओए की वेख रहे ओए मैं जब जूम की तो अपना वह फिर भाईजान ठीक हो तो बिश भी ठीक है वाल वधे वो फिर भाईजान उसने परे मुख कर लिया है तो बड़ा मजे का माहौल है थोड़ी थोड़ी हवा व्यूअर मैं सांस लै रहा तो इन साथ जेड़ा ना सारा फसल वगैरह उन्होंने जी खुशबू मेरे नक् जा रही बड़ा ना प्यारा लगता वह हो गया लोड भाईजान तो व्यूअर दो मिनट मैं इतने ना अपनी जी थामनेल की पिक्चर है ना वो थामनेल की पिक्चर बनाई तो हूँ थानू पहले से किस से आया से पहले से आए थे रेड़े थे हूँ अस किस से जा रहे हैं जी मोटरसाइकिल हाँ इन समझो साड़ी धूम थ्री की है धूम फ्री है धूम फ्री क्या वा धूम थ्री है साड़ी इंजे समझो बड़ा जनाब फक्सी के मोटरसाइकिल तो इन्हें जो अबू ने चले गए अपने जो राइड पे आए थे उसी पे उसके अबू चले गए और हम जा रहे हैं अपनी धूम थ्री चेक करो ऐ साढ़े वास्ते इंजे समझो जी धूम थ्री थोड़े वास्ते उसी बंखड़ साढ़े वास्ते धूम थ्री चेक कर इस बंदे की है हूँ अस जाने घर तू चेक करो कि बदल मौसम बड़ा प्यारा बनया खाला चल बे चल वेखी नहीं लगना अलग व्यूअर ओ इन सामने अबू जा रहे हैं असि हम जा रहे हैं जी घर बड़ा यार वैसे आज मज़ा आ रहा है क्योंकि आज मैं सानू आज अभी भी खा दिता है कि जेडे जानवर ने चीज़ चारा वगैरह डाल दें उन्होंने किमें काट के तो उन्होंने किमें ला के नहीं इसके अबू जा रहे हैं जी हम लोग जा रहे हैं चेक करो व्यूअर हर पास से सब्ज़ ही सब्ज़ है तकरीबन इनको शहर है इनको शहर है थानू ये माहौल दिसी या कोई ना चेक करो हर पास सब्ज़ ही सब्ज़ है चेक करो सब्ज़ा सब्ज़ा बस इतने ना एक व्यूअर रोला बन गया क्योंकि बारिश चाहिए बारिश में शहर होंगे के क्यों सद पक्के सड़क होंगे लेकिन इतना की इतने कच्ची सड़क होते हैं वेखो ना ट्राली गुजरती उतू बारिश होती तो सारे ना निशान बन जाते चिक्कड़ बन जाता तो इस टाइम व्यूअर शाम का टाइम है तो दूजे अस वेखो ना परिंदे जड़े वह भी व्यूअर परिंदे ने वेखो बनते पेन ए भी हूँ अपने घर जो लुटते पेन कव्वे वगैरह इस टाइम चूहा जाते सारा दे बच्चे ने जी ना चौक वगैरह इकट्ठी करते हैं अपने वापस लौट जाते हैं। ये मशीन है जिसके अंदर वो हमने जो पत्थे उठाए हैं वो उस अंदर निके निके पीस काट के यार ढीला चलता है व्यूअर तकरीबन मतलब चारा आ चुका है तो हूँ वह उन्होंने कट के तो उन्होंने फिर अपने जो
दूजे जानवर उन्होंने दसन गए तो जोड़ा है ना साडा दुध अपनी माज का वह हो गया उन्हें चो लिया। ठीक है मेरे चाचू इन्ना चाहते हैं उन्हें चो तो हम दुध लैके सीधा डायरैक्ट घर जाने तो मेरा हूँ ना कोई पता नहीं मूड बनता पे मेरे भाई और मेरे कजन का थोड़ा मतलब सा मेला लग गया कल की वीडियो तो मेला लग गया तो पहला बाजार लक्की रानी सर्कस हर चीज़ अगर गया तो थोड़ा नाल जरूर खा सा अगर नहीं गया तो फिर घर ही तो हूँ अस दूध में चौल फिर दूध आ चुका है हमारा और ऐ तो अज मैं टकर गया तीन मैं छड़ना तो कोई नहीं इन अज मैंने छड़ना पे और पता नहीं कितने दिन बाद अज मैनू मिलया तकरीबन किन्ने दिन हो गया ना एक माह बाद ये लड़का मुझे मिला कितना गंदा बंदा चेक करने में एक माह बाद ऐ मैं मिलया। ठीक है ऐ यार काम की करता है ऐ दर्जियों का काम करता है। ठीक है किसे भाई सूट सिवाना मैंने रब तक रहा इन्हें कुछ सिवा दिता ऐ बड़ा वैसे कंजूस मैंने भी डिस्काउंट नहीं करता कितना गंदा बंदा तो दूजा इन्हें एक माह बाद मिले क्योंकि काम करता है दर्जियों का फिर इन टाइम नहीं लगता तो हूँ दुध भी साढ़ा आ चुका है तो हूँ असं लैके घर जाते पे हैं तो थानी भी मैं मेले तो अगर गए मेले तो व्यूअर्स हम लोग गए थे मेले पर और मैं कुछ मजबूरी थी जिसकी वजह से आपको मेले का जो है ना पूरा माहौल और व्लॉग नहीं बना सका तो उसके लिए माजरत। और ये दो मैंने क्लिप्स इसके वीडियोस के अंदर अपनी डाल दी हैं वो आप लोग देख सकते हैं। हमने थोड़ा सा इंजॉय तो किया था बहुत ज़्यादा लेकिन ज़्यादा सारा इंजॉय किया था लेकिन यार सॉरी माजरत हम व्लॉग नहीं बना सके ये कुछ मैंने क्लिप्स अंदर डाल दी और भी हमने झूले लिए थे लेकिन हम ये सिर्फ दो क्लिप्स बनाई थी मैंने अपने भाई के मोबाइल से तो ये आप लोग देख सकते हैं। आज की हम करते हैं यही वीडियो का एंड और उम्मीद होगी कि आप सबको हमारी वीडियो पसंद आए। अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। और भाई इंशाल्लाह मेरे व्यूवर्स अब अगली बार जब भी मेला लगा तो आप लोगों को तमाम मेले का जो माहौल है लक्की रानी सर्कस भी लगी हुई थी तो बहुत ज़्यादा झूले थे तो वो भी आपको इंशाल्लाह अगले साल इंशाल्लाह दिखाऊँगा। तो और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अल्लाह हाफिज़।